मुर्दे को औजार बनाने वाले, आंसुओं को हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। नमस्कार, मैं कृष्णा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एंड फाउंडर द लीगल साइड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हाई कोर्ट ने इन राजनेताओं की तुच्छ राजनीति की हवा निकाल दी। द कश्मीर फाइल के बारे में, दिल्ली के सीएम श्रीमान अरविंद केजरीवाल के बयानों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसी को लेकर बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल बग्गा तथा आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर कुछ टिप्पणी कर दी थी और केजरीवाल के बयानों की आलोचना करते हुए उनसे माफ़ी मांगने की बात की थी, जिसको लेकर पंजाब पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी और इन पर गलत सूचना फैलाने तथा सामुदायिक द्वेष पैदा करने का आरोप लगाया। लेकिन जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इन राजनेताओं की मंशा पर पानी फेर दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता और इन दोनों ने ऐसा कोई आरोप नहीं किया है। इनके भाषण को देखने से ऐसा कहीं भी नहीं लगता है कि इन पर लगाए गए आरोप किसी भी तरीके से सही हैं, इसलिए इन पर किए गए FIR को रद्द किया जाता है क्योंकि ये FIR निराधार है। दोस्तों, अगर कोई आप पर भी इस प्रकार की कोई झूठी FIR कर दे तो आप हाई कोर्ट की सहायता ले सकते हैं और FIR के झूठे पाए जाने पर उस FIR को रद्द किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारी लगातार हमारे चैनल पर आती रहती है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही अपना कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।